वेलकम बैक। और दोस्तों आज है ना यार थोड़ा बैक वॉइस आएगा आपको, थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना है क्योंकि ना हमारे यहाँ पे आज ना फंक्शन है कॉलोनी में, ठीक है। तो यार सबसे पहले हमारे गिनी पिग्स को हम उनका डाइट दे देते दे। चलो भाई चलो गिनीज यहाँ पे हमारे बहुत ही ज़्यादा कम्फर्टेबल हो चुके हैं। और देखो भाई बहुत ही जल्द हम एक केज बनाने वाले, मतलब केज मतलब उधर वाले एरिया में शिफ्ट करने वाले, जो कि बहुत सारे भाइयों को पता है भाई कलरिंग का वगैरह काम उसका बाकी है, तो वो भी एक दो दिन के बाद हम कर लेंगे। चलो भाई रैबिट्स को देते हैं। चल स्नो, ये स्नो और ब्लैकी वो यहाँ पे दे देता हूँ। आज हमें हमारे सारे पिजन के बेबीज को बाहर निकालना है और सारे बेबीज का हमें अपडेट लेना है भाई, कौन सा बेबी तंदुरुस्त है और कौन से बेबी को वैक्सीन वगैरह की कोई ज़रूरत है क्या नहीं, तो हम वो देख लेंगे। तो चलो भाई, क्योंकि बहुत सारे भाई मुझे कमेंट्स कर रहे थे कि भाई आपके सारे के सारे बेबी आप निकालो बाहर और हमको भाई अपडेट दो, तो भाई आज वो क्या रखते हैं हम। मैं हमारे सारे पिजन बाहर छोड़ देता हूँ। चल आओ 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 आओ। मैं नीचे से एक डाइट लेके आता हूँ जो कि मैंने दोपहर को ही बना के रखी थी। ये दोस्तों पिजन्स के लिए मैंने डाइट बनाई थी, तो चलो भाई अभी ये खा लेंगे। चलो आओ 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 आओ। इनके लिए बहुत ही ज़्यादा पसंद है क्योंकि मैंने ना इसमें मिक्सचर किए भाई ये वाले दाने, तो बहुत सारे भाइयों को पता होगा भाई ये क्या है, इनके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छे होते हैं। खा लो भाई खा लो। तो मैं जा रहा हूँ केज के अंदर और अभी हमें सारे बेबीज का भाई अपडेट लेना है, तो चलो भाई मैं चलता हूँ केज के अंदर। तो आज मैं हमारे सारे बेबीज बेबी पिजन हम बाहर निकालने वाले, तो यार सबसे पहले शुरुआत करते इससे। एक मिनट यार, वो ट्रे में लेके आता हूँ फिर मैं आपको मिलता हूँ। ये है भाई हमारा ट्रे जो कि अभी मैं सारे के सारे बेबीज निकालूंगा। तो ट्रे ना यहाँ पे रख दे, मैं एक एक बेबी देता तुझे, ठीक है। तो सबसे पहले हम इनको निकालेंगे। ये ले भाई इसको, इसको कोई जाने मत दिया, इसका मैं साथी भी दे देता हूँ। वाओ क्या कलर है भाई, अरे के सारे बेबीज है ना भाई, हेल्दी के हेल्दी है। ओ भाई चल चल चल, इसको भी पकड़। ओए उसके मॉम किंग देख सकते हो भाई, मैं किंग को पकड़ रहा हूँ, मेरे कितना ज़्यादा गुस्सा कर रहा है यार। प्लीज़ यार गुस्सा ना कर यार, गुस्सा ना कर, मैं तुझे कुछ नहीं करूँगा भाई। आ जा भाई हमारा सेकेंड वाला किंग, आ जा भाई। ये है भाई हमारे सारे के सारे बेबीज जो कि बहुत ज़्यादा शरारती यार, देखो यार कितने ज़्यादा एक्टिव है, ठीक है। तो यार देख लो ये हमारे किंग का एक ही बेबी ऐसा ही कि भाई ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है और अलग कलर में आया हुआ है इस बार, तो देख सकते हो इसका कलर बहुत ही ज़्यादा शानदार है यार। पहले इस वाले बेबीज के मुकाबले, मतलब इसके और इसके कंपैरिजन में देखा जाए तो भाई ये वाला भी अच्छा है यार। मुझे तो ये वाला सबसे ज़्यादा पसंद आया क्योंकि मैंने फर्स्ट टाइम देखा ब्लैक वाला किंग, तो यार बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। और बाकी के ये वाले भी खूबसूरत कलर है इनके। चलो ये एक दो दिन में अभी सारे के सारे बेबीज नीचे आ जाएंगे, मतलब एक या दो दिन ही उनके मॉम डैड के पास रहेंगे और ये सारे के सारे अभी नीचे आ जाएंगे हमारे पिजन के साथ, क्योंकि अभी सारे के सारे पिजन उड़ने लगे हैं, तो भाई ये नीचे आने के लिए आ ही जाएंगे। और दोस्तों हमारे जो कल्लू के अंडे ना भाई, मैं अभी इनके अंडे और हमारे सिराजी के अंडे दोनों के भी कैंडलिंग कर देता हूँ, अच्छे होंगे तो रहने देंगे नहीं तो बाकी फेंक देंगे हम। यार बहुत ही ज़्यादा बुरी बात है, हमारे किंग की भी अंडे खराब है और हमारे सिराजी के भी अंडे खराब है यार, तो अभी यार इनको फेंकना होगा, इनको हमें यार फेंकना होगा क्योंकि यार ये खराब है तो इनका कोई फायदा ही नहीं है। चलो भाई इनको कैंडलिंग तो हो गई है सारे के सारे भाई, येल्लो के येल्लो यार 15 दिन से भी ज्यादा हो गए तो अभी तक ये हैच नहीं हुए भाई, ये खराब है अंडे। तो अभी ना हमें सारे बेबीज ना अंदर रख देते हैं। तो अभी हमारे सारे बेबीज जब नीचे आ जाएंगे, मतलब उनका जो घर है वो छोड़ देंगे, फिर हम उनका सारा का सारा अभी केज हम साफ कर देंगे। देखो कितने ज़्यादा साफ सफाई करने की हमें ज़रूरत है। और हमारे जो लिली है वो भी अंडों पर बैठ गई यार, देखो भाई तो मुझे गारंटी नहीं थी बैठने की, बट यार फाइनली बैठ गई। दोस्तों मुझे काफ़ी सारे भाई कह रहे थे कि भाई आपके जो डम्बू और गप्पीज है, आपने वो जो छोटे छोटे बेबीज है, तो मैंने यहाँ पे उनके साथ छोड़ दिए, ठीक है। उनके जो मोम डैड थे मैंने उनके साथ छोड़ दिए भाई, सारे के सारे बेबीज़ तो ठीक है, बट मुझे सारे भाइयों की कमेंट्स आई कि भाई आप उनके लिए कुछ हाइडिंग प्लेस वगैरह कर दो तो ज़्यादा सुरक्षित रहेंगे, और ठीक है यार अभी वही करेंगे हम। चलो ये लेना भाई, हमने एक ये पाइप लिया है और एक छोटा मटका लिया, पकड़ना भाई कमेंट, ठीक है। मटका और पाइप हो जाएगा, बहुत अच्छा हाइडिंग प्लेस मिल जाएगा इनको। तो चलो भाई ये मैंने आराम से डाल दिया, तो ये भी दे दें, और ये भी हमने अभी आराम से ऐड कर दिया। और दोस्तों हमारे सारे बेबीज़ ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देख रहे छोटे छोटे बेबीज़, ये उनके मॉम डैड के साथ बहुत ज़्यादा खुश है और हैप्पी है, मतलब इनको कोई दिक्कत भी नहीं क्योंकि इनको ना हैंडल फिन आ गया, तो भाई ये आराम से रह सकते हैं। मैं क्या करता हूँ हमारे सारे बर्ड्स को है ना
उनका जो इवनिंग का डाइट है वो दे देते हैं भाई। तू ये पकड़ना, ये भाई सिद्धार्थ। पहले ना मैं यहाँ इनको दे देता हूँ हमारी बटर्स को, ये बहुत ज़्यादा। लो भाई चलो लो, ये भी खा लो यार। चलो ये देते हैं भाई हमारे बजीज को। भाई मेरे हाथ में खाएंगे या नहीं मुझे नहीं पता, बट इतने ज़्यादा कंफर्टेबल तो नहीं, ये नहीं खाएंगे भाई। ये भाई हमारा मैंगो और ये है भाई हमारा वैनिला। यार खुल जा भाई, खुल जा खुल जा। अबे यार ऊपर चला गया। ओके इसको भी दे देते हैं, डन। मैंने हमारे डव को भी दे दिया और अभी हमारे डव का जो बेबी भाई कंप्लीट 9 से 10 डेज का हो चुका है। और देखो भाई पूरा का पूरा उसके मॉम डैड के ऊपर चला गया भाई। काम बचता है भाई हमारे जो कॉकटेल है नीचे वाले रूम में रखे हुए, अभी उनको भी मैं डाइट दे देता हूँ क्योंकि वो बहुत ज़्यादा शोर करते हैं यार। शोर देखो, ये देखो मैं अभी आऊँगा ना, ये देखो भाई इनका शोर देखो यार। खुल जा भाई खुल जा खुल जा। ये लो जी तुम्हारा खाना आ गया, खाना डन हो गया दोस्तों। मैं हमारे फिशेस के लिए ना ब्लड वॉर्म्स वगैरह दे देता हूँ। चलो चलो डम्बू यार चलो खा लो। ए भाई यार ये ना कुछ काम भी नहीं, कितना है तो इतना ज़्यादा ठंडा होता है ना हाथों को, ठंडा ठंडा लगता है क्योंकि ना फ्रोजन ब्लड वॉर्म्स है ना यार, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा ठंडे ठंडे होते हैं ये। और हमारे फिश ये बहुत ही ज़्यादा शौक से खाते हैं, देखो यार ये देखो देखो ये इतने ज़्यादा मस्ती से खाते हैं ना। तो चलो भाई ये हम मेन हमारे डम्बोयर को और दे देते हैं क्योंकि इसमें है भाई बेबीज, इनका खाने का भी अच्छे से ध्यान रखा होगा नहीं तो भाई ये उनके बेबीज के ऊपर अटैक करके इनको खा जाते हैं भाई, आपको पता है यार गप्पी शर्मौली फिश का। और अभी इधर वाले फिश को देते हैं हमारे टक्सिडो गप्पीज, सॉरी डन। तो अभी सारे हमारे बेबी फिशेस को फीड कर देता हूँ और हमें दोस्तों ये वाला पॉन्ड है भाई, ये वाला हमें क्लीन करना है कल के दिन, क्योंकि यार ना मुझे एक अंकल की कमेंट आई थी कि भाई उनके यहाँ के जो फिश थे ना तो ऐसे अलगी के फिश से अलगी के वाटर से मर गए थे क्योंकि उसमें जो बारिश का पहले पहले जो बारिश होती है उसका जो वाटर था वो थोड़ा बहुत मिक्स हो गया था। तो इसकी वजह से हमें अंकल ने बोला कि भाई आप भी चेंज कर लो, तो ठीक है यार हम भी चेंज कर लेंगे, कल या परसों में हम पक्का चेंज कर लेंगे। अभी मैं सारे फिश उनके फिशेस को अभी फूड दे देता हूं उनका जो इवनिंग वाला है। दोस्तों बहुत ही ज़्यादा गर्मी है और अभी मैं जा रहा हूँ हमारे एलिगेटर गार्ड के लिए, हमारे कॉपर के लिए, उसके लिए कुछ ना फूड लेके आता है बाजार से जो कि मैं हर हफ्ते में 2 बार करता हूँ। तो अभी मैं जाता हूँ, आपको मिलता हूँ। फाइनली मैं अभी मार्केट से आ गया और अभी हमारे सारे फिशेस को देंगे भाई फिशेस जो कि मैंने मार्केट से लाई है। तो दोस्तों आज हमारे कॉपर की बड़ी दावत है यार, बड़ा खुश हो गया यार ये फिश खाकर। तो चलो भाई अभी मैं उठा लेता हूँ, चलो भाई उठ जा, आ गया। तो इसको भी मैं उठा लेता हूँ, ये सरक गया भाई। ओके डन, तो ये होगा भाई हमारे कॉपर का पहला बाइट। चल भाई कॉपर आजा, चल ये ले भाई। ओ भाई सौंप ले, खा लिया भाई। तो ये रहेगा दोस्तों अभी हमारे कॉपर का। भाई कॉपर चल ले। ओ भाई सौंप जबरदस्त दोस्तों। अभी इसको कंप्लीट हम देंगे आज 250 ग्राम फिश जो कि अभी 2 दिन कुछ खाएगा नहीं भाई, ठीक है ना। इसको आप चिकन का भी पीस दोगे ना तभी भी नहीं खाएगा क्योंकि यार मुझे बहुत सारे भाई कमेंट्स करते हैं कि भाई आप है ना इसको 7 दिन में एक बार फीड करते हो। कुछ नहीं यार, 7 दिन में इसे एक बार अंडे फीड होते जो कि संडे को मैं इसको अंडे वगैरह दे देता हूँ और कुछ मतलब रहा बाकी दूसरा वो भी देता हूँ मैं संडे को, बट इसको अभी 2-3 दिन बाद एक बार देता हूँ भाई देखो। इसलिए भाई हमारा एलू इतना कॉपर हमारा इतना हैंटी में। चलो भाई और देता हूँ इसको। अच्छा आजा भाई आजा, ले लो जी भाई। अभी उधर डाली भाई, जा 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 जा, अभी ये कर देगा भाई अटैक। ये लो जी, अभी इसका थोड़ा थोड़ा अभी पेट भर चुका है 70%, इसलिए स्लो स्लो अभी खाएगा। ओ भाई साहब ऊपर आजा भाई आजा, पता नहीं यार हमारे कॉपर का आखिरी बाइट होगा क्योंकि यार अभी नहीं खा रहा यार क्योंकि मैं इसे ऑलरेडी दे चुका हूँ फिश। आजा भाई आजा, बिल्कुल भी यानी आ रहा है यार। आजा 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 कॉपर,
आजा भाई आजा जल्दी, अबे नहीं आ रहा यार ये तो। ठीक है मैं अभी इसे दे तो देता हूँ, ये खाएगा तो खाएगा, बाद में खा लेगा। ये खा लिया भाई, आखिरी बाइट भी खा लिया यार इसने तो। सही है यार, तो चलो भाई अभी मैं हमारे दोनों बटर्स को उनका खाना वगैरह दे देता हूँ, सॉरी उनका पानी दे देता हूँ, क्योंकि इनको मैंने पानी नहीं रखा था यार। जो यार ये पानी अभी एक घंटे में पूरा का पूरा फेंक देंगे यार, ऐसे करते यार, क्या पता यार इनको क्या आता है मन में भाई। और दोस्तों आज का जो क्लाइमेट है यार बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है यार, मेरा फेवरेट क्लाइमेट है यार। बीच में ब्लैक ब्लैक बादल है और आजू बाजू में सारे अलग ही क्लाउड्स है यार, अलग ही माहौल है यार ये। और मैंने सारे पिजन्स जो है कि बाहर छोड़े, तो अभी मैं इनको ना हटा तो यहाँ से, क्योंकि यार इन्हें उड़ते ही नहीं यार, क्या पता इनके जो बेबीज़ है बेबीज़ के लिए उड़ते नहीं होंगे ऐसा मुझे लग रहा है। नहीं तो पहले हमारे पिजन बहुत ज़्यादा ऊपर उड़ते थे यार, अभी क्यों नहीं उड़ते क्या पता। अबे यार शेट यार, कल भी एक फिश मरी थी यार हमारी। ओ शेट यार मरी नहीं यार, हे यार एक्टिव है यार, बट यार इसको क्या हो गया यार। शेट ये देखो यार थोड़ी थोड़ी तैर रही है। मुझे ऐसा लगता है ना दोस्तों, यहाँ पे हमें ना हाइडिंग प्लेस कर दे, मतलब इनको जो ब्रीड करेगी फिश और वो हमारे बेबीज भी सेव रहेंगे, और बेबीज सेव रहने के साथ भाई ये फिशेज को भी हाइडिंग प्लेस जरूरी यार यहाँ पे, क्योंकि ओपन में यार यहाँ पे सनलाइट तो नहीं आ रही है एक दो दिन से, तो हमारे यहाँ पे देखो यार सारे के सारे बादल ही बादल है, और बारिश से तो बची रहेगी यार। ठीक है तो हम कल यहाँ पे क्या करेंगे, पूरा हाइडिंग प्लेस कर देंगे। ठीक है और भाई कल तो वो पो वाला पौंड भी हमें क्लीन करना है। चलो भाई आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, थोड़ी देर में अभी सब अंदर चले जाएंगे। तो आज हमारे सेटअप में खुश खबर भी है और दुख की खबर भी है, जो कि देख सकते हो भाई हमारे डोरेमोन भाई आ चुके हैं, बट यार कल फिर से जा रहे हैं हॉस्टल को। ठीक है ना, एक ही दिन के लिए आया था डोरेमोन, ठीक है पिजन्स के बच्चे देखने के लिए। अबे यार ये स्नो और डोरेमोन ही निकल दो दोनों को, स्नो और हमारी ब्लैकी को, अंदर गया है इधर है यार, उधर क्या करते है ब्लैकी, देखिए ब्लैकी बहुत ज़्यादा ये करती है। हमारी दोनों ब्लैकी और स्नो डोरेमोन ने निकल दी, क्या किया भाई, अटैक किया किसने, ब्लैकी ने। अच्छा पता नहीं यार दोस्तों, हमारी ब्लैकी ना अचानक से ना भाई अटैक करने लगी यार, पता नहीं यार, आप मुझे जरूर सजेस्ट करना भाई इसका क्या करूँ यार मैं। भाई हम जाते हैं ना पास में, बहुत ज्यादा ना अटैक करने लगी यार। ये थी दोस्तों आज की हमारी वीडियो, और आज की वीडियो आपको अच्छी लगी लाइक करो शेयर करो सब्सक्राइब करो, तो मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अरे मैंने ना इसमें ना एलिगेटर पकड़ा था, तो एलिगेटर गा रहे ना अपने पास, उसको पकड़ा था, देख पूरी जली का काम कर दिया भाई उसने। इधर भी हाँ, अभी कुछ काम की नहीं रही, अब नया लाना पड़ेगा।